आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने वाले 1971 के युद्ध और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाले दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के मौके पर संत हिरदाराम नगर में कई कार्यक्रम हुए। हिरदाराम नगर में शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी के मीठी गोविंद राम स्कूल के बच्चों ने विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण और विश्व मानचित्र पर नए देश बांग्लादेश के उदय के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की अविस्मरणीय विजय हुई थी। विजय दिवस पर संत हिरदाराम जी के शिष्य सिद्ध भाऊ की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम हुआ। जब 16 दिसंबर 1971 को हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था, वो गरिमापूर्ण दिवस आज के दिन हमारे सारे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम सभी यहाँ पर संपूर्ण भोपाल वासियों को प्रेरित करने के लिए अपने वीर शहीदों की शौर्य गाथा और उनके अप्रतिम साहस को दिखाने के लिए हमने आज एक कार्यक्रम रेवरेंड सिद्ध भाऊ जी, हीरो ज्ञान चंदानी जी, साधवानी सर और दो हमारे विशेष मुख्य अतिथि कर्नल राकेश बुधानी जी और कर्नल नारायण पारवानी जी के नेतृत्व में हमारे मीठी गोविंद राम पब्लिक स्कूल के 1845 बच्चों के साथ शहीद हेमू कालानी एजुकेशन सोसाइटी इस पर्व को बड़ी गरिमा और उत्साह के साथ मना रही है। कार्यक्रम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से 1971 के युद्ध की गौरव गाथा का वर्णन किया गया। विद्यार्थियों ने 1971 के युद्ध पर आधारित नाटक की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल राकेश बुधानी एवं रिटायर्ड कर्नल नारायण परवानी भारतीय सेना को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और कहा कि इस तरह के आयोजन छात्र छात्राओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने में सहायक होते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।